मांगन मरण सम्मान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। Delhi, the capital of India, home to about millions of people, historic landmarks, tourist attractions, and home to the government of the country, is one of the fastest developing cities of the world. Known as Delhi by many, it's a beautiful world in itself. But within this world lies another, the world that is neglected, that is ignored, the one referred to as the world of beggars. They are forced to live in a world of their own, resort to unwanted activities, to the act of begging. They have no roof over their heads, no food to survive on, and no reason to live. They live in a state of extreme poverty. It's tragic that we address it as a problem. It's a symptom of a society which has completely failed a very significant portion of its people. I mean, for all the India shining claims, the fact of the matter is that, you know, I think 90% odd are, whether the government agrees or not, actually poor. I mean, let's not go by the definitions of the below poverty line. Poverty is so endemic that I'd show you a little example. Like, if you will see the board here, this is one of our leaflets which gives you the statistics that today in India there are 100 million senior citizens, elders as we call it, above 60. Of them, 55 million sleep hungry every night. Now, that is more than half the elders of India sleep hungry. So that is such a sad commentary, and if that is not going to lead to beggary, then tell me what else will. मेरा नाम है राकेश दुबे। और आप लोग कहाँ से हैं? हेलो जी, यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर झांसी के पास। अच्छा, और आप लोग किधर रहते हैं? फिलहाल यहीं पटरी पर हैं। पटरी पर रहते हैं। तो ऐसी हालत कैसे हुई? मतलब कुछ क्या कर, हालत ऐसे हुई कि वहाँ हमें अब मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ आए हुए थे गाजियाबाद। वहाँ पे बाहुबलियों ने एस डी एम के लिए पैसे दे रखे, हमें मदद घोषित करके हमारे नाम जमीन हमारे नाम उनके अपने नाम करवा दी। और पहले कुछ काम हम करते थे अब। हाँ, तो क्या उसके बारे में कुछ? यहाँ क्रेन पे काम करता था, यूपी बॉर्डर पे, तो उस पर गिर गया था, क्रेन से मेरे पाँव फ्रैक्चर हो गया। अब काम नहीं है? काम नहीं है। तो कुछ कमाई हो जाती है? कुछ कमाई नहीं होती थी, बस यहाँ बंगला साहब में रोटियाँ खाते हैं और साथ में मिल जाते हैं, और कुछ कमाई कर नहीं सकते क्योंकि घर वाले भी विकलांग हैं, जो हाथ पाँव से विकलांग हैं। नहीं सही सलामत था मेरे पूरे में उतर गए, अब से कुछ काम नहीं कर पाता, तब से यही पड़े। अभी कुछ कोई कुछ मदद करने के लिए कुछ? कोई मदद करने के लिए कोई गया नहीं, ऐसे ही हमने चार बच्चों को लेके ऐसी पढ़ ली गई हमने। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे खुश अवसर कौन सा रहा है? हमारे जिंदगी का खुश अवसर पर जी आप लोग मिले, इतना पूछा हमें, तो यही सबसे अच्छा खुश अवसर लग गया है। आप लोगों ने जानना भी चाहा। On interacting with beggars around the city, we found that there are a number of reasons that have led to the situation.
such as physical disabilities, lack of governance, and forced unemployment. And the problem has expanded so much that it has made people lose hope in their lives. हम रास्ता में बैठे हैं, हमारी शिकायत कभी नहीं सुनेगा, चाहे गलत हो, चाहे गलत हो चाहे अच्छी हो, कभी नहीं सुनेगा। आपकी जिंदगी का सबसे खुश अवसर कौन सा रहा है? अब हमारी जिंदगी में कोई अवसर नहीं है। कभी तो हुआ होगा जिस पल आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली हो? वो तो पहले मिला था, जिस टाइम हम अच्छे थे उस टाइम मिला था। जब आप ठीक थे, जब से बीमारी पकड़ लिया तब से चिंते चिंते में रहते हैं, क्या होगा, कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा। लोग नफरत भी करते हैं, बहुत सारे लोग खाना भी देते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे करते हैं। बट इज देयर एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम? सुधारने के लिए हर आदमी की एक मेंटेलिटी बन चुकी है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वाकईतन ये सुधरे, ठीक है, तो सबसे पहले आदमी को अवेयर करें, जागरूक बनाएं कि भाई देख, तू यहाँ बैठ करके जितना भी पा रहा है वो उससे खुश तो है, खुश तो है, लेकिन तेरी ज़िंदगी ये तो नहीं है। उससे उसके ड्रीम पूछिए, क्या तू हमेशा ज़िंदगी भर यही रहना चाहता है? उसको ड्रीम उजागर कीजिए, उसके सपने, उसके विज़न क्लियर करवाइए, और फिर इसको करने के लिए क्या कर सकता है वो चीज़ कंसेप्ट क्लियर कीजिए। सबसे पहला जो स्टेप हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि साइकोलॉजिकल रिपोर्ट, क्योंकि भिखारी भिखारी पैदाइशी भिखारी नहीं होता, भिखारी हमारा सोशल समाज बनाता है, और समाज के अंदर अगर हम उनको इम्पोर्टेंस दें और उनको बताएं कि किस तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं, तो वो भिखारी नहीं बनते। आजकल भिखारी बनना बहुत आसान है, भिखारी एज ए प्रोफेशन, भिखारी यानी कि भिखारी कोई खानदानी तौर पर चले आ रहे हैं, अब वो प्रोफेशन तौर पर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये भिखारी। अगर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो कि एम्प्लॉयमेंट मिले सबको, तो ये भिखारी जो है नहीं मिलेगा। टेक थिंग्स इन योर ओन हैंड्स, हेल्प, इट्स ट्रूली द जॉय ऑफ गिविंग इज नॉट जस्ट शेयरिंग अ चॉकलेट, द जॉय ऑफ गिविंग इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। जिंदगी एक तोहफा है, जीने का सबको मौका है, जिंदगी में खुशियां चाहते हैं हम, मिलकर जीने से किसने रोका है। सुबह बेदाग है जो बर्फ को गलाने लगी, कहीं तो आग है, कहीं तो आग है, न उड़ने की इस दफा ठानी, परिंदों ने भी वफा जानी, अंधेरे को बाहों में लेके उजाले ने घर बसाया है, चुराया था जो चुकाया है, शिकायतें मिटाने लगी। सुबह बेदाग है जो बर्फ को गलाने लगी, हे
सितारे जब भी सदा सुनाए लुटेरों को बागवान बनाए। नसीबों की बात है, नसीबों की बात है। जमीर की कहानी है ये, यही बैराग है, यही बैराग है। शिकायतें मिटाने लगी, नौरे की इस दफा परिंदों ने भी वफा जाही, तेरे को बाहों में लेके उजाले ने घर बसाया है। चुराया था जो चुकाया है, शिकायतें मिटाने बेदाग